जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा आज ये एक शराड को रेड कलर करने लगे थे, रेड वाइन कलर, और बिल्कुल ओपन एयर में इसे करने लगे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप सब दोस्तों को भी दिखाऊं कि हमारे पास क्या मेथड और किस तरह यूज़ होता है, क्योंकि हर जगह पर ओवन या भट्टी तो नहीं है अवेलेबल नहीं है। तो ये बिल्कुल ओपन जगह है, ये देखें खुली वर्कशॉप है, ये ऊपर इन्होंने एक छप्पर सा डाला हुआ है। अब ये यहीं ही पेंट करने लगे हैं। अस्तर लगा चुके हैं, ये छत इसकी पहले ऑनर कह रहा था कि पेंट नहीं करनी, लेकिन अब छत भी इसके साथ ही पेंट हो रही है।
जी तो ये फाइनल रिजल्ट है दो कोर्स के बाद का। तो अभी से ये बाहर निकाल दिया कि धूप में जरा ये कलर सूख जाए अच्छी तरह। वैसे काफ़ी हद तक तो सूख चुका है, ये देखें मैं ये हाथ से टच भी कर रहा हूँ इसे, अच्छा रिजल्ट आ गया, शाइन वगैरह भी अच्छी है। ये कैमरे की क्वालिटी मेरी कोई इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है तो मे भी आपको कोई ज़्यादा नज़र ना आ रहा हो, लेकिन कलर बहुत अच्छा शाइन कर रहा है। ये रेड के साथ ब्लैक का कंट्रास्ट करने लगे हैं कुछ, ये पिलर्स भी ब्लैक करेंगे, ये इसलिए आपको लग भी रहा होगा पहले भी ये ब्लैक था अब भी ब्लैक करेंगे इसे। जब ये फिट होगी तो मैं आपको ये मुकम्मल गाड़ी दिखाऊंगा, गाड़ी बहुत प्यारी है, काफ़ी हद तक जेन्युइन फिर रही है ये गाड़ी, इंशाल्लाह फिटिंग के बाद ये काफ़ी अच्छी निकल आएगी। फ्रंट पर इन्होंने थोड़ी मॉडिफिकेशन की है, मेहरान की लाइट्स इन्होंने एडजस्ट करवाई हैं, ग्रिल वगैरह भी चेंज की है, तो एंड रिज़ल्ट मैं इंशाल्लाह लाजमी दिखाऊंगा आपको इसका। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।